हेलो भाई मैं पवार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ड्रैग रेस बिटवीन क्यासा एल्टोस और ये है मारुति की एस्क्रॉस। अभी मारुति एस्क्रॉस जो ये वाला वेरिएंट है, मतलब डीजल डीडीआई जो आप यहाँ पे बैजिंग देख रहे हैं, अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है भाई, अभी आता ही नहीं है। मारुति ने अपने सभी डीजल इंजन को बाय बाय करके अब केवल पेट्रोल में ही बेचते हैं। तो आज इन दोनों गाड़ियों की रेस करवा के देखते हैं। वैसे मैंने आपको ये सेम इंजन की रेस दिखा रखी है ब्रेजा में, जिसमें आपको रिजल्ट्स बताएगी कौन सी जीती थी अगर हम क्यासा एल्टोस और ब्रेजा की रेस करवाते थे। लेकिन आज जब आप एस्क्रॉस की बात करते थे, एक क्रॉस ओवर है, थोड़ी बॉडी इसकी डिफरेंट है, तो अब कौन सी विनर रहती है उसकी बात करते हैं। पावर फिगर्स की बात करें तो सेल्टोस निकालती है अपनी 115 bhp और अपना 250 Nm का टॉर्क। वहीं अगर सेल्टोस इसकी बात करें एस्क्रॉस की, तो ये निकालती है भाई अपना 90 bhp निकालती है ये, और जो टॉर्क है वो भी सेल्टोस से इसका कम निकल के आ रहा है। तो आज देखने वाले हैं कौन सी विनर रहेगी। इसमें टर्बोलैग बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो विनर सेल्टोस रेंज है। बाकी तो भी पता चल ही जाएगा कि कौन से आगे निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट राउंड से। मतलब बता देना कि कौन एक्सआर है ना है तो भाई। तो सीट बेल्ट वगैरह यूज़ करके कर रहे हैं भाई, और आप भी अगर ये सब काम करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी के साथ करें, प्रीकॉशंस के साथ करें, और खाली ट्रैक पे करें। मेन बात वो है, रनिंग रोड पे कई लोग करने लग जाते हैं, और सेफ रोड अगर तो ही करें। और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए केवल हम ये देख रहे हैं, हम ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप रोड पे किसी के साथ रेस लगवाएं। तो भाई एसी कर लेते हैं ऑफ। तो मोहित भाई हैं एस्क्रॉस के अंदर ड्राइवर, और करें 1 2 3 इतने में ही आ जाए डिफरेंस भाई, आप देख सकते हो। बहुत ही डिफरेंस आ जाता है, मतलब हमने ब्रेजा के साथ भी करी थी ना, तो उसमें भी सेम इशू था, मतलब यही हो रहा था, मतलब गाड़ी बहुत पीछे रह जाती है। प्लस उनकी मैं शायद से लैग भी आया था जो मेरे को देखने को मिला था। बाकी भाई से भी मैं अभी आपको एक मिनट मिलवाता हूँ, उनका क्या कहना है उनसे भी बात कर लेते हैं। तो भाई के पास चलते हैं, मतलब वही टर्बोलैग की जहाँ तक मेरे को समस्या लगती है। क्या रहा कैसे? हाँ मैं इनिशियली जाने में एकदम से होता, पर गियर चेंज करते टाइम मेरे ख्याल से होता था। हाँ एक राउंड और करते, फिर ड्राइवर्स को इंटरचेंज करके और बात करेंगे। हेलो भाई, आजकल हर कोई स्टॉक्स और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म, इसका नाम है पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन एक बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 100+ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। 100+ एसेट्स इंक्लूड्स लाइक स्टॉक्स ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, यूथोरियम, लाइटकॉइन एक्सेट्रा, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेडिंग करेंसीज गोल्ड, सिल्वर। और इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती ना, तो पॉकेट ऑप्शन ऑफर्स यू फ्री ट्यूटोरियल स्ट्रेटजीज टू लर्न। यू कैन ऑल्सो अर्न मनी थ्रू सोशल ट्रेडिंग, मतलब आप जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनको देख के उनकी कॉपी करके भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के मस्त पैसा कमा सकते हैं। पॉकेट ऑप्शन आल्सो ऑफर्स यू फ्री डेमो अकाउंट जहां पे आपको मिलते हैं $10,000 वर्चुअल कैश इन योर डेमो अकाउंट, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस सब सीख सकते हैं। यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म में आपको 60 सेकंड लगते हैं टू गेट योर ट्रेड रिजल्ट्स, यहां पे आपको 5 सेकंड में ना पूरा ट्रेड रिजल्ट मिल जाता है। यू कैन इजीली डिपॉजिट और विड्रॉल थ्रू मोबीक्विक वॉलेट, जियो वॉलेट, ओला मनी, एयरटेल वॉलेट, मतलब जितने भी वॉलेट वगैरह आते हैं, बैंक ट्रांसफर, बहुत सारे ऑप्शन से आप यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम ट्रेड अमाउंट इज $1 यानी कि 75 rupees से मात्र ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 0% commission है ऑन डिपॉजिट और विड्रॉल्स। ये प्लेटफॉर्म दोनों iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके डाउनलोड करो पॉकेट ऑप्शन और ट्रेडिंग स्टार्ट करो मात्र $1 से। तो ये भाई अपना सेकंड राउंड, 1 2 3 तो बहुत ही डिफरेंस दे रहा है मेरी गाड़ी तो। मैं मतलब अगर पिकअप छोड़ भी दूं तो ये तो मतलब टक्कर में ही नहीं है कहीं, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल चला रहा हूँ। ओ भाई किसने लग गया, ऐसी कैसी कार, मतलब अरे भाई ने देखे मैं हल्के में ले गया तो भाई की जी, मतलब यही है यार, सेल्टोस ही जीतेगी इस बात में कोई वो ही नहीं है। चलो अब मैं उसमें जाता हूँ एस्क्रॉस में, फिर उससे बात करेंगे उसके एंगल से कि भाई क्या दिक्कत मेन ये बन रही है। तो उसमें चलते हैं, भाई को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कौन से आगे निकल जाए एस्क्रॉस? और ठीक है इसको मंदी क्यों रखूं मैं? ऐसा कभी मेरे से रहता है, मैं थोड़ा सा हल्का ड्राइवर किया भाई, अपना पूरा वो दिखाओ ना टैलेंट। चलो भाई ये हाइब्रिड वाली में बैठ गए हैं, ये एस्क्रॉस इसमें 5 ही गियर आते हैं, 90 bhp निकालता है ये, इस तरीके का इंटीरियर है इसके अंदर। अब देखते हैं भाई क्या रहता है। बस यही है कि यार कई बार हाईवेज पर मैं देखता हूँ कॉम्पिटिशन लगता रहता है ना, तो उस हिसाब से उस टाइम पे कौन सी आगे निकलेगी वो है। उसका RPM भी लेट जाता है, मतलब उससे कम बैठ लो तो ये एकदम पंजे दबाते ही उठ मतलब चढ़ जाती है। करूं भाई रुको एक मिनट, हाँ वो ले लेता हूँ आगे। 1 2 3
अरे इसमें तो ना 2000 के बाद तो ये गाड़ी उठती है और इसमें लैग भी आता है भाई। अरे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है यार, 5.5 तक चली जाती है वैसे तो। तो जो भाई एस्क्रॉस वाला है या ब्रेजा वाला है या जो 1.3 चलाता है मारुति का 90 BHP वाला, कभी ट्राई ना करें कि मैं सेल्टोस या क्रेटा को देखकर उनसे रेस करूं, क्योंकि इसमें भाई आपकी ही वो होनी है मतलब हार इस बात में, चाहे अब आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सच्चाई यही है। एक बार और ट्राई करते हैं कौन सी जीतती है, मतलब डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। एक दो तीन, ये बहुत लेट उठती है ये एस्क्रॉस, बहुत लेट। इतनी देर में तो वो सेल्टोस कहाँ ही पहुंच जाते हैं। ब्रेक तो सही है इस गाड़ी के, 60,000 चल चुकी है, और ये जो अपनी सेल्टोस है इसकी हैंडलिंग भी ठीक सी है यार इस गाड़ी की ना, और जो अपनी सेल्टोस है वो भी 21 ही चली है। तो रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रिजल्ट्स अपने को एक्सपेक्टेड थे वही मिले हैं, तो सेल्टोस इसकी क्लियर विनर अगर आप रेस करवाते हैं एस्क्रॉस की डीजल वाली की और किया सेल्टोस डीजल वाली की। बाकी जो एस्क्रॉस के ओनर हैं उनसे भी मिलवा देता हूँ मैं, और इनसे आप मिल रखे हैं भाई कई बार, मतलब बलेनो का एक्सीडेंट के बाद इन्होंने ये ली थी जो एस्क्रॉस, इसकी डिलीवरी हमने दिखाई, फिर उसका ओनरशिप रिव्यू भी दिखाया था। थोड़ा बहुत पॉइंटर बोल पूछ लेता हूँ भाई से, इसका जो एक्सपीरियंस है भाई अभी तक एस्क्रॉस का भी, आप जैसे बात कर रहे थे मेरे से बिफोर कैमरा कि इसमें आपको गिल्ट होने लग गया है, तो ऐसा क्यों है भाई? कहीं ना कहीं लगता है कि हम इसे ना ठगा सा महसूस करते हैं लेने के बाद। अब जैसे मैं देख रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस, एक तो इसके स्पेयर पार्ट का इश्यू आ रहा है, पता नहीं मारुति क्या तो कर रही है क्या नहीं, स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलते। अभी जून में सर्विस हुई थी इसकी, तो अभी जो कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह हैं इसके वो अब तक वो तो ऐसे सुनते हैं कि भाई मारुति के सारे पार्ट सेम शेयर होते हैं गाड़ी में, तो वो चीज नहीं है ना, इसका नहीं है शेयर का भाई, वो सेम मारुति का जो सर्विस सेंटर है वहां से ही बात बता रहे हैं, इसके पार्ट डिफरेंट है। तो जो बंदा इसको सोच रहा हो कि एस्क्रॉस लेने की और मैं मारुति का मेरे को वो मिलेगा कि पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो ना सोचे वो। इसका मैं बताऊं कंपनी से तो मिलते नहीं है, लेकिन इसका जो है एक अल्टीलेटर बेल्ट टूट गई थी अभी 2 महीने पहले, वो कंपनी से ना मिलके बाहर आउट ऑफ जो है मतलब आफ्टर मार्केट इसका जो है वो मिल गया था, कंपनी में नहीं मिला। बताओ आप क्या कर सकते हैं, कम ध्यान है वालों को, ध्यान देना चाहिए जैसे फ्लैगशिप गाड़ी है तो। बाकी भाई का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको एस्क्रॉस से रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो क्या नाम से भाई वो बता दो, मेरा मोहित चौधरी एक्स से नाम से है वो, निकल जाता है देख लेना भाई आप मोहित चौधरी डाल के, एस्क्रॉस रिलेटेड आपको सारी वीडियो उधर मिल जाएंगी। तो भाई थैंक यू पूरा रेस वगैरह करने के लिए, और भाई ने कहा कि देखते हैं एक बार कौन सी गाड़ी अपना विनर रहती है। वीडियो देने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।